Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture 21. I hope you have already watched part 1 to part 20 before watching part 21. And we are discussing partial fraction. So let us discuss some more type of partial fraction and without wasting the time. So in partial fraction, we are discussing the type 2 right now. What is type 2? In first type, we have discussed that when denominator consists linear and non-repeated function. Now, we can say when denominator consists of linear and repeated function. Linear and repeated function. ठीक है? तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है ये जैसे dx अपॉन ये फंक्शन हो या इस तरह का हो कि 1 अपॉन x माइनस a x माइनस b का होल स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि x माइनस a x माइनस b का होल स्क्वायर तो इसको आप कैसे करेंगे तो ये हो गया a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर ऐसे इसको हम अरेंज करते हैं फिर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं अगर मान लीजिए कि किसी के पास ऐसा हो कि 1 अपॉन x माइनस a x माइनस b का होल क्यूब तब उसे क्या लिखना चाहिए तब लिखना चाहिए a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b का स्क्वायर प्लस d अपॉन x माइनस b का होल क्यूब यानी लीनियर एंड नॉन रिपीटेड और यहाँ पे है लीनियर एंड रिपीटेड तो जब फंक्शन रिपीट हो रहा हो तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे पावर 3 है तो पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 अगर 2 है तो पहले 1 फिर 2 इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे और ए बी सी डी जैसे आपको पता है कि ये अनोन कॉन्स्टेंट हैं इनकी वैल्यू हम निकालेंगे और निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू को रख देंगे आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं उसके बाद हम आगे बात करेंगे पहला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का और इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्स माइनस वन और x प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको आप लिखेंगे a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा अगर ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें मिलेगा अगर आप कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट तो करना ही पड़ेगा ना तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पर तो यही आएगा न्यूमरेटर में क्या आएगा x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चीज बच जाएगा यानी x प्लस टू का होल स्क्वायर बच जाएगा b में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा तो x प्लस टू है ये है x प्लस टू है ना तो x प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस टू मिलेगा एक x माइनस वन मिलेगा तो b का कोफिशियंट मिल जाएगा x माइनस वन एंड x प्लस टू इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ये पूरा कट जाएगा सिर्फ x माइनस वन मिलेगा यानी c इंटू एक्स माइनस वन और यहाँ क्या मिल गया ऊपर में वन अब कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट एक वो भी तरीका है जिससे आप सबके कोफिशियंट को इक्वेट कर सकते हो और दूसरा तरीका क्या है कि a b c के वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ वो तो आप समझ ही गए कि कैसे करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इधर जो आएगा उसको इधर जीरो पुट करोगे क्योंकि हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है नहीं एक्स का कोफिशियंट जो आएगा इधर से उसको जीरो पुट करोगे क्योंकि हाँ एक्स का कोफिशियंट है नहीं अगर होता तो उसकी जो कोफिशियंट होती वो लिख देते और जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको वन लिखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम देखना चाहेंगे उसी में इंटरेस्ट है हमें यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले एक एक्स माइनस वन को जीरो पुट करते हैं तो एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे यानी एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो इधर में क्या मिल जाएगा इधर में ए है ए की वैल्यू क्या मिलेगी इधर में है वन ऑलरेडी और इधर में एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा एक्स माइनस वन को जीरो पुट कर रहे हो मतलब एक्स को वन पुट कर रहे हो तो वन प्लस टू क्या हो गया थ्री थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन
9 ए आ गया, इसका मतलब ए हो गया 1/9। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स प्लस टू को 0 पुट कर देते हैं। एक्स प्लस टू को 0 पुट करेंगे मतलब एक्स को -2 पुट कर रहे हैं, और एक्स प्लस टू को 0 पुट करने से आप देखिए कि एक्स प्लस टू को 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें बचेगा। तो एक्स प्लस टू को 0 पुट कर रहे हो मतलब एक्स को -2 पुट कर रहे हो, तो -2 -1 -3 -3c इज इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब बचा b की वैल्यू निकालने का, a और c के तो बड़े प्यार से निकल गया, b की कैसे निकालोगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा जी आपने तो एक को पुट कर लिया तो a निकल गया, c का कोफिशियंट को पुट कर लिया तो c निकल गया, लेकिन अब b कैसे निकालोगे? तो आपको चालाकी ये करनी है कि यहाँ पे जो टर्म अब्सेंट हो उसके कोफिशियंट को इक्वेट कर दो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से आएगा, जरा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर ये खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और उसका कोफिशियंट यहाँ 1 होगा, यानी ए यहाँ से मिलेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, उसका कोफिशियंट क्या होगा बी, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इसमें से तो कुछ आएगा नहीं, तो ए प्लस बी आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है नहीं मतलब ए प्लस बी 0 हो गया, और ए प्लस बी 0 हो गया तो बी किसके बराबर हो गया माइनस ए के, और माइनस ए हो गया इसका मतलब क्या हो गया -1/9, क्योंकि ए 1/9 है, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो बी माइनस ए आ गया, यानी तीनों की वैल्यू आपकी निकल गई, ए बी सी तीनों की निकल गई। अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देने से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के बदले क्या रखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी के बदले क्या रखेंगे -1/9, तो -1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस टू, और c के बदले क्या रखेंगे -1/3 dx अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब इसको आंसर में लिखना है, अगर तब्दील करना है तो क्या लिखोगे, आंसर में लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या 1/9 log x माइनस वन, यहां से मिलेगा 1/9, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है log x माइनस टू, यहाँ पे 1/3 है, 1/x² है, और आपको पता है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x प्लस सी, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस से की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस टू प्लस सी, ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी अगली टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है, और टाइप थ्री क्या है, इसमें अगर ऊपर सोच रहे होंगे कि आपका फंक्शन भी हो तब भी आप कर सकते हैं इसको इसी तरह से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं क्या, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आप देखिए। जैसे ये मान लीजिए कि लिखा है ऊपर में 3x+5 और नीचे में लिखा है x² x+1 dx, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये रिपीटेड है तो आप इसको उसी तरह से लिख सकते हैं 3x+5 अपॉन x² और यहाँ पे x+1, तो आप लिख दीजिए इसको a/x+1 + b/x + c/x² लिख सकते हैं। अब इसको कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3x+5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर आएगा ना, ए एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा ना, एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स से डिवाइड करोगे तो एक एक्स भी मिल जाएगा, एक एक्स प्लस वन भी रह जाएगा,
सी से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब फिर हम वही पुट करते हैं कोफिशियंट, एक्स प्लस वन को जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन को जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और एक्स प्लस वन जीरो पुट करने का मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन यहाँ रखने से क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर ए, यानी वन, वन इंटू ए। और यहाँ माइनस वन रखने से -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालना है तो हम एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स को जीरो पुट करने से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1 सी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा और इधर जीरो पुट करने से क्या आ जाएगा, 5, तो सी की वैल्यू 5 आ गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से ए है और यहाँ से ये भी मिलेगा बी, ए प्लस बी इधर जीरो है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, और ये आपने -2 निकाल रखा है तो बी हो गया -2। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो इंटीग्रेशन बड़े आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अब देखिए ये वैल्यू निकाल लिया हमने और यहाँ पे रख देते हैं, क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू रखनी है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी लिखनी है, 2, 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की जगह पे -2, -2 अपॉन एक्स, और सी की जगह पे 5, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो गया। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 लॉग एक्स माइन प्लस 1, ठीक है, 2 लॉग एक्स प्लस 1 और 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, -2 लॉग एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स, -5 बाई एक्स प्लस सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। अब अगली तरह बढ़ते हैं कि दूसरे टाइप का जो होगा उसको कैसे करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसको भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना हो तो आप सीधे, ये पैटर्न आपको पता चल गया कि क्या पैटर्न होगा, वैसे मैं लिख देता हूं, ये हमेशा ही आंसर होगा ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग दूसरा वाला माइनस सी अपॉन ये वाला फंक्शन का, माइनस सी अपॉन जिसका स्क्वायर हो होता है, ये पैटर्न याद रहेगा। तो आप 2-3 सेकंड के अंदर इसके ऑप्शन में से सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हो कि ये वाला होगा ये वाला नहीं होगा, और क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे कैसे सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं उसको, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला जो टाइप है वो क्या है, यह है कि व्हेन डिनोमिनेटर टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन तो कैसे करोगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन तो आप कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है और हम कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए कि फंक्शन ऐसा हो, ऊपर में 1, नीचे में ये है पी एक्स प्लस क्यू और ये हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह का, तो आप क्या करोगे, तो इसमें आपको लिखना चाहिए ए अपॉन पी एक्स प्लस क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये वाला चीज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर मानना होगा, नीचे अगर लीनियर है तो ऊपर एक डिग्री कम यानी कॉन्स्टेंट लेना होगा, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे एबीसी की वैल्यू निकाल करके और आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। ये है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, डीएक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लाइक दिस, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस फंक्शन में को इस पैटर्न पे लिख करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी,
तो आइए उस काम को पहले अंजाम देते हैं। 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बदले आप क्या लिखोगे? a अपॉन x माइनस 2 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इक्वेटिंग लाइक कोफिशिएंट भी करना पड़ेगा और ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप यहां पर भी थोड़ी सी बुद्धिमानी कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू, ऊपर नोमरेटर में 1 है, यहां मिलेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 मिलेगा, है ना। तो कैसे वैल्यू निकालोगे? वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से देखिए। यहां पे इसको अगर मैं लिखूं थोड़ा, तो ध्यान से देखिए कि एक्स माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स को 2 पुट करना है, यानी इधर 1 और x माइनस 2 को 0 पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x के बदले 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 प्लस 5, 5 5 a इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब a इज इक्वल टू 1 बाई 5 आ गया। अब सवाल है कि b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x स्क्वायर का कोफिशियंट यहां से मिलेगा b और यहां से a, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 हुआ। इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है नहीं, यानी बी इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब -1/5। अब सी निकालना है तो सी देखिए कांस्टेंट टर्म इधर से मिलेगा 5 है और यहां से -2c, 5a - 2c इज इक्वल टू 1, इधर में कांस्टेंट अकेले 1 है तो 1 पुट कर लीजिए। और 5a का मतलब क्या हो गया? 5a का मतलब हो गया 1, तो 1 यहां से 5a का मतलब 1, 1 - 2c = 1, 1 से 1 कट गया, मतलब c = 0। तो c की वैल्यू 0 आ गई, c की कोई जरूरत नहीं है। अब इस सवाल में a 1/5 और b -1/5 आ गया। यहां पर अगर रखूं मैं इस क्वेश्चन में तो a की जगह पे 1/5, इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 1/5 अपॉन 1 - x/2 और b के बदले -1/5 c 0 हो गया, तो ऊपर में x बचेगा, नीचे में x² - 2x + 5 dx, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको हम लिखेंगे क्या, 1/5, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है, log ऑफ x - 2 dx -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x / x² - 2x + 5 dx। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक उस पुराने पैटर्न का आ गया जिसकी हमें जरूरत है, तो हम इसको अभी लिख सकते हैं 1/5 log x - 2 - 1/5 i1 ले लेता हूं और इस i1 को अलग से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज i1? i1 हमारा आ गया वहां से, ये था x अपॉन x² - 2x + 5, यही था, है ना, x² अपॉन, ये देखिए x² - 2x + 5, इसी को i1 हमने माना है, इस पूरी चीज को हमने क्या मान लिया है, i1, तो इसलिए i1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये px + q / ax² + bx + c के पैटर्न का हो गया, आप इसे लिखेंगे px + q, यानी लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, जो पहले आप पैटर्न सीखे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने ज्यादा अब आपको जरूरत है। आप प्रैक्टिस किए होंगे तो निश्चित रूप से ये बात समझ गए होंगे कि इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए ऊपर में? 2 से मल्टीप्लाई, 2x तो एक होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, x² का डेरिवेटिव 2x, -2 भी चाहिए तो -2 + 2 कर देते हैं, अपॉन ये हो गया x² - 2x + 5 dx, यानी ये हो गया 1/2, 2x - 2 अपॉन x² - 2x + 5 प्लस 2 अपॉन x² - 2x + 5 dx। आप इसको आप सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 1/2, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ नीचे वाला x² - 2x + 5, इस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको dx / x² - 2x + 5। फिर इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव प्लस यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी 1/a टैन इनवर्स 6/a। तो फाइनली ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव प्लस 1/a टैन इनवर्स एक्स माइनस ए एक्स बाई ए ठीक है प्लस सी। अब इस वो साई वन में रख देंगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा पूरा आंसर? आई इज इक्वल टू, क्या था हमारा आंसर? आई इज इक्वल टू, ये देखिए ये था 1/5 लॉग एक्स माइनस टू माइनस 1/5, 1/5 लॉग एक्स माइनस टू प्लस 1/5 आई वन, और आई वन में 1/2 कॉमन है तो ये मिल करके 1/10 हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। और फिर पूरा का पूरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव प्लस टेन इनवर्स कितना? एक्स माइनस 1/2, और पूरे में फाइनली सी आंसर ही आ गया। ये पूरा कंप्लीट आंसर हुआ उस क्वेश्चन का जिसको इतना देर से हम कर रहे थे। लेकिन अब इतने लंबे क्वेश्चन की कोई औचित्य नहीं है क्योंकि स्कूल वाले भी अब इतना नहीं पूछते और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने की गुंजाइश कम रहती है ना के बराबर, और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन भी अब नहीं आते यूजुअली। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, चूंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक पार्ट है, एक टाइप है, नहीं बताता तो ये अधूरा रह जाता, इसलिए इसको हमने बताया और इसको आप कर सकते हैं। फिर भी इसको हमारा धर्म है शॉर्टकट तरीका बताना, तो शॉर्टकट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे, ए की वैल्यू किसी एक कोफिशिएंट को आप इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन में से मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पता चल जाएगा कि ए इंटू इसका लॉग होगा, इसका भी लॉग होगा, ये दोनों फंक्शन पक्का लॉग में आएंगे ही आएंगे। तो ऑप्शन में से इतना हिंट काफी होगा बाकी के ऑप्शन को रिजेक्ट करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कि दो फंक्शन ऐसा अगर सिमिलर हो जाए तो फिर कोफिशिएंट में फर्क होगा, और कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए जैसा हमने बताया एक को आप जीरो पुट कर देंगे तो ये कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा, जिससे आप कोफिशिएंट में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो इतना लंबा है इसको आप 2-4-5 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा और क्यों होगा। ठीक है, इसी तरह से टाइप फोर की बात कर ले कि टाइप फोर हो तो क्या करेंगे, जरा इसकी भी हम बात कर लेते हैं क्या होगा टाइप फोर में। अगले स्लाइड में चलते हैं। टाइप फोर पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप फोर हो तो क्या होगा, यानी व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फंक्शन, यानी ऐसा हो कि 1 अपॉन ax² + bx + c हो, ax² + bx + c हो, और दूसरा फंक्शन जो हो वो हो px² + qx + r हो। ऐसा दो क्वाड्रेटिक फंक्शन है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेड फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में नॉन रिपीटेड फंक्शन है ये पूरी की पूरी। तो इसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम कैसे इसको एज्यूम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसको लिखना होगा आपको फंक्शन को ax + b अपॉन एनी ऑफ द वन क्वाड्रेटिक bx + c एंड cx + d अपॉन px² + qx + r, और फिर आप इसमें कोफिशिएंट को इक्वेट करके और आंसर abcd की लिख करके फिर इंटीग्रेबल ये हो जाएगा फंक्शन। निश्चित रूप से आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। टाइप फाइव भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है टाइप फाइव, वो होगा कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड फंक्शन टाइप फाइव। अगले स्लाइड में लिखता हूं टाइप फाइव क्या हो सकता है। टाइप फाइव
पार्शियल फ्रैक्शन। व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड फंक्शन, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड फंक्शन, रिपीटेड फंक्शन, ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे ये हो जाए dx अपॉन, या क्वेश्चन ऐसे हो जाए, अब इंटीग्रेशन क्या लिखना है, ऐसे ही लिख देता हूँ, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, और मान लीजिए इसमें ये भी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी हो, ऐसा भी हो, एक क्वाड्रेटिक है और एक क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करना चाहिए, ax प्लस बी अपॉन, एक जो रिपीटेड नहीं है वो लिख दीजिए, फिर सी एक्स प्लस डी, एक बार जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन, फिर क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। बट ये बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी है कि किसी एग्जाम के लिए, आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरह से लिख सकते हैं और ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के पश्चात इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने की जरूरत है नहीं। अगर क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड है कोई क्वेश्चन तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई लिख दे कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे हमारी थ्योरी बेस्ट है, उस थ्योरी के आधार पर फटाफट बन जाएगा, क्या खोया क्या पाया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन लिख दिया। अब देखिए क्या मिलेगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नाइन माइनस फोर फाइव बचा, तो फाइव से डिवाइड कर दिया, न कुछ खोया न कुछ पाया, और फिर फटाफट आंसर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो आंसर हो गया 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे 1 बाई थ्री, 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस सी आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये प्लस है तो ऐसे कर दिया, अगर माइनस होता तो क्या करते, तब भी कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ है, तो हम इसमें भी यही लगा देंगे, क्या खोया क्या पाया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इजिली, और यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ से वन और यहाँ से प्लस थ्री यानी फोर, तो फोर से हम डिवाइड कर दें, ये हो गया क्या खोया क्या पाया का असली रूप, और ये मिल गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा dx, और ये हो गया 1 बाई फोर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाई फोर, क्या फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1 बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाई फोर टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी फाइनली आंसर आपका आ गया 1 बाई एट रूट थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे 1 बाई फोर टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इस टाइप से पूछे जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से अब कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, कर पाएंगे ना, पक्का ना, तो हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हुआ, और पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा, और थोड़ा सा बोरिंग तो है लंबा होने की वजह से, लेकिन हर एक लंबे का मैंने शॉर्टकट बताया है, आप शॉर्टकट पे ध्यान दीजिए, उसकी लंबाई पे कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिए, और मजे से रहिए, परेशान नहीं होइए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा, आप इससे प्यार कीजिए, ये आपसे प्यार करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है कि आप जैसे इससे प्यार करेंगे ये भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे बिल्कुल लागू होता है, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पढ़ाई से जितना प्यार करोगे उतना पढ़ाई भी आपसे प्यार करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, गुड नाइट।